भिलाई में दो कथित पत्रकारों के खिलाफ सुरेला थाने में 1,65,00,000 रुपए की ठगी का मामला दर्ज किया गया है। जिनवानी स्थित श्री शंकराचार्य अस्पताल के पास चाय गुमटी चलाने वाले धीरज महतो और मुकेश तांडी नामक पीड़ितों ने आरोप लगाया है कि गोविंदा चौहान और उसके साथी रविकांत मिश्रा ने स्वयं को पत्रकार बताते हुए दोनों दोस्तों से कहा था कि भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का लाभ दिलवाऊंगा, इसके लिए दोनों को बैंक अकाउंट खोलना पड़ेगा। दोनों पत्रकारों ने उनके नाम पर अलग अलग बैंकों में खाता खुलवाया और उसमें 80 और 85 लाख यानी 1,65,00,000 रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। इस मामले की शिकायत के बाद सुपेला पुलिस ने दोनों कथित पत्रकारों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। मामले की जानकारी भिलाई नगर CSP सत्य प्रकाश तिवारी ने दी है। प्रार्थी धीरज महतो ने सुपेला थाने में एक लिखित आवेदन पेश किया था कि जो दो कथित पत्रकार हैं जिनका नाम गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा है, इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने के नाम से प्रार्थी के नाम से एक खाता खुलवाया गया IDFC बैंक सुपेला में। बाद में उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम बता करके उस खाते का पासबुक और उससे रिलेटेड जो भी ATM कार्ड्स और अन्य दस्तावेज इनके द्वारा लिए गए और अवैध रूप से सट्टे में उस खाते का उपयोग किया जाकर के उसमें भारी मात्रा में ट्रांजैक्शन किया गया है। महादेव ऐप एवं अन्य जो भी सट्टा है उनके पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया है। प्रकरण में जो धीरज महतो हैं उनकी रिपोर्ट पर दोनों आरोपी गोविंदा चौहान और रविकांत मिश्रा के विरुद्ध BNS की धारा 318(4), 319(2) और 6(2) BNS के तहत अपराध कायम किया गया है और प्रकरण की विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया अभी तक दोनों आरोपियों के खाते में अवैध रूप से अर्जित आय लगभग 1,65,00,000 रुपए दिख रहे हैं, जिनकी सीजिंग की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण की विवेचना के दौरान यह भी ज्ञात हुआ है कि उसमें एक आरोपी जो गोविंदा चौहान है उसके विरुद्ध 376 का प्रकरण भी पंजीबद्ध है जामुल थाने में और इस प्रकरण में गिरफ्तारी के पश्चात वो लंबे समय तक जेल में भी रहा है। इस प्रकरण की विवेचना के दौरान जो भी अवैध रूप से सट्टे से प्राप्त आय और आय से प्राप्त जो भी धन अर्जन किया गया इनके द्वारा उनकी जब्ती एवं अन्य जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो भी इसमें की जाएगी। जहां कहीं भी हो प्रार्थी आरोपी उनकी गिरफ्तारी इस प्रकरण में होगी और गिरफ्तारी पश्चात VNS के प्रावधानों के तहत जो भी अवैध रूप से अर्जित आय है उसकी भी जब्ती और कुर्की कार्रवाई की जाएगी।